नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। जिले की सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई यद्यपि सुप्रीम कोर्ट में पिछले माह पूरी हो गई थी और विगत 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्लोज फॉर ऑर्डर कर दिया गया था, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते की अवधि कब की बीत चुकी है। साथ ही विगत 16 मार्च को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी लागू कर दी है, परंतु इसके बावजूद अब तक सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में सांसद नवनीत राणा की आगामी चुनाव में दावेदारी को लेकर अच्छा खासा सस्पेंस बना हुआ है और राणा समर्थकों व उनके विरोधकों सहित पूरे जिले की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर लगी हुई है। आज शुक्रवार 22 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से सांसद नवनीत राणा के मामले में कोई फैसला नहीं आया। वहीं अब शनिवार 23 मार्च व रविवार 24 मार्च को सप्ताहांत व साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होली के पर्व का अवकाश रहेगा, यानी इन 3 दिनों के दौरान इस मामले में कोई फैसला आने की कोई उम्मीद या गुंजाइश नहीं है, जिसके बाद मंगलवार 26 मार्च से सुप्रीम कोर्ट में नियमित कामकाज शुरू होगा और 26 मार्च के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना कोई फैसला सुना सकता है। वहीं इसी दौरान आगामी गुरुवार से ही लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है, जिसके चलते नवनीत राणा की दावेदारी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए जाने वाले टिकट को लेकर अच्छा खासा सस्पेंस देखा जा रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज यहाँ मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि यदि अमरावती लोकसभा सीट पर फॉर्म भरने के अंतिम दिन तक भी उम्मीदवार का नाम नहीं तय होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोग इस बार मोदी जी को वोट देने वाले हैं और अब की बार निश्चित तौर पर 400 पार होगा। सांसद बोंडे के मुताबिक राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अकोला में घोषित कर चुके हैं कि अमरावती लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उधर महायुति में शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूल ने गत रोज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात के बाद दावा किया कि भले ही राणा दंपति द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट मिलने को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों के नेता इस समय राणा दंपति के खिलाफ हैं। इस बात से प्रदेश के भाजपा नेताओं को अवगत कराया गया और अमरावती संसदीय सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना के दावे को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ सकारात्मक चर्चा की गई। नाही, नक्कीच हा सर्व पक्षीय विरोध नक्कीच भारतीय जनता पार्टीने लक्षात घेतलेला आहे मला वाटतं, आणि काल मी ज्या पद्धतीने सांगितलं अतिशय सकारात्मक चर्चा श्री बावनकुळे साहेबांबरोबर झाली आणि नक्कीच भारतीय जनता पार्टी त्या गोष्टीचा विचार करते असं मला वाटतं। नाही, नक्की आपण ज्या पद्धतीने म्हणतोय नवनीत राणांचा पत्ता कट झाला तथ्य असू शकतं, कारण ह्या सगळ्या गोष्टींची आपण जर खरं हे पाहिली की सगळे पक्ष विरोधात आहेत, हायकोर्टाचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल कधी येऊ शकतो, आणि त्यामुळे जर भारतीय जनता पार्टीने उद्या चुकून जर तिकीट दिलं तरी एक तर निवडून येणार नाही, विरोध सगळ्यांचा पत्करावा लागेल आणि त्या ऊन उलट बदनामी वेगळी होईल जर सुप्रीम कोर्टाचा उद्या निकाल लागला। मागासवर्गीयांचा रोष संपूर्ण देशभर ओढवून घ्यावा लागेल हा सुद्धा सगळ्यात मोठा विषय। उधर अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भले ही कांग्रेस द्वारा बलवंत वानखड़े की उम्मीदवारी घोषित हो गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में चित्र अभी भी स्पष्ट नहीं है। जिले में शिवसेना के कामों को देखते हुए यह सीट महाविकास आघाड़ी के तहत शिवसेना उभाटा को छूटने की पूरी उम्मीद है, ऐसा मंडल न्यूज को बताते हुए शिवसेना उभाटा के नेता दिनेश बुग ने कहा कि कल शनिवार 23 मार्च को शिवसेना उभाटा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन अमरावती में जरूर होगा। दिनेश बुग इस समय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने हेतु मुंबई में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के नेता राजेंद्र गवई ने आज दोपहर मंडल न्यूज से बातचीत में स्पष्ट किया कि चूंकि अब कांग्रेस ने बलवंत वानखड़े की उम्मीदवारी आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है, ऐसे में उनकी पार्टी अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव निश्चित लड़ेगी और यदि पार्टी को कोई सक्षम उम्मीदवार नहीं मिलता है या जोखिम उठाने से घबराता है तो वे खुद यानी राजेंद्र गवई अमरावती सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वोट कठुआ रहने से संबंधित सवाल पर राजेंद्र गवई ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ऐसे में किसी का वोट कठुआ बनने का सवाल नहीं उठता, बल्कि रिपाई को उनके अधिकार वाले वोट मिलेंगे और रिपब्लिकन विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग निश्चित तौर पर रिपाई प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। आगामी सोमवार 25 मार्च को धूलिवंदन का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान कई लोग बाग शराब पीकर सड़कों पर तेज रफ्तार ढंग से वाहन चलाते हैं, ऐसे समय वे अपने वाहन का बराबर संतुलन नहीं रख सकते, जिसके चलते कई बार सड़क हादसे घटित होने की संभावना रहती है। इस तरह की घटनाओं को टालने तथा शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु 25 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर में स्थित सभी उड़ान पुलों को हर तरह के वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा। इस आशय का निर्णय शहर पुलिस आयुक्तालय के यातायात पुलिस विभाग द्वारा लेते हुए अधिसूचना जारी की गई है। आगामी रविवार 24 मार्च को होलिका दहन होने के उपरांत सोमवार 25 मार्च को धूलि वंदन का पर्व शहर में बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा। इस पर्व के निमित्त अमरावती जिले से संभाग के लगभग 6,436 छोटे बड़े स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए होलिका दहन उत्सव समितियों की ओर से तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है।
होली के पर्व पर अक्सर ही लोग बाग जमकर हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे को हंसी ठिठोली में कोई उपाधि या पदवी भी प्रदान करते हैं, जिसे होली का पदवी दान कहा जाता है। परंतु इस समय चूंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चल रही है और जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में होली के पदवी दान पर निर्वाचन आयोग द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी और होली के पदवी दान की आड़ लेकर राजनीतिक दलों की बदनामी करने वाले लोगों के खिलाफ सीधे पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आगामी सत्र से अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होना लगभग तय हो गया है। जब तक कॉलेज की खुद की इमारत तैयार नहीं हो जाती, तब तक यह कॉलेज जिला अस्पताल में रहने वाला है। 430 बिस्तर वाले इस अस्पताल को आगामी 7 साल के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया गया है। यह प्रक्रिया आगामी 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसके चलते अब जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय इरविन के पीछे स्थित अस्पताल भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। विभागीय संदर्भ सेवा यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक गतिमान करने के लिए शहर की विधायक सुभा खोड़के द्वारा किए गए प्रयासों के चलते 130 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी मिली है, जिससे अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु रेडियोथेरेपी व डे केयर कीमियोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। इस निधि को मंजूरी देने हेतु विधायक सुभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के प्रति आभार ज्ञापित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किए जाने का आज आम आदमी पार्टी की स्थानीय शाखा द्वारा राजकमल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए जमकर निषेध किया गया। इस समय आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीधे सीधे देश के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। आज से जिला वकील संघ के चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है, जिसके तहत आज नामांकन प्रस्तुत करने का समय खत्म होने तक जिला वकील संघ के 11 पदों के लिए 21 इच्छुकों के नामांकन प्राप्त हुए, जिसके चलते 30 मार्च को न्याय मंदिर परिसर स्थित जिला वकील संघ के सेंट्रल हॉल में मतदान की प्रक्रिया ली जाएगी और 30 मार्च की ही शाम मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण टोगड़िया का आज अमरावती पधारने पर विभिन्न संगठनों व संस्थाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रवीण टोगड़िया ने MIDC एसोसिएशन के पदाधिकारियों से युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर बल दिया, साथ ही अम्बा माता व एकवीरा माता मंदिर जाकर देवी दर्शन भी किए। अमरावती दौरे पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण टोगड़िया ने दावा किया कि यह लोकसभा चुनाव हिंदू ही जीतेगा, साथ ही उन्होंने हिंदुओं से वोट डालने की अपील भी की। आज दोपहर राजकमल चौक के पास रामनवमी उत्सव समिति के कार्यालय का शुभारंभ करने के पश्चात भी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अमरावती दौरे पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण टोगड़िया ने आज सुबह मोरबाग स्थित पुनर्निर्मित बालाजी मंदिर को सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष महेश साहू ने प्रवीण टोगड़िया का स्वागत किया, साथ ही राम मंदिर आंदोलन में उनके गौरवपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उनका जोरदार सत्कार भी किया गया। स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित 140 वर्ष पुराने अमरावती के सिटी क्लब में इस समय वर्ष 2024 से 2027 के त्रैवार्षिक कार्यकाल हेतु कार्यकारिणी के चयन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके निर्विरोध संपन्न होने की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि क्लब के अध्यक्ष व सचिव सहित 7 कार्यकारिणी सदस्य पदों हेतु गिनकर 9 नामांकन ही प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से क्लब के अध्यक्ष पद पर नितिन चांडक व सचिव पद पर विजय खंडेलवाल उर्फ भाई जी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। साथ ही 7 कार्यकारिणी सदस्य पदों पर कैलाश लड्डा, महेश बजाज, सुधीर बोरकरे, विजय हटवार, रविंद्र कडू, अनंत सावरकर व विमल शाह का निर्विरोध निर्वाचित होना भी तय है। इन सभी लोगों के निर्वाचन की अधिकृत घोषणा आगामी 31 मार्च को क्लब के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद की जाएगी। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी पुलिस थानों में नई कार्यपद्धति को अमल में लाया है, जिसके तहत एक एक पुलिसकर्मी को 6-6 अपराधियों की सूची देकर उन सभी अपराधियों पर बराबर निगरानी रखने एवं दैनंदिन अपडेट देने को कहा गया है। CP रेड्डी की संकल्पना से अमल में लाई जा रही इस कार्यपद्धति को शहर के गुंडे बदमाशों की नींद उड़ा देने वाला बताया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत खेले जाने वाले T20 मुकाबलों पर सट्टा लगाने वाले क्रिकेट सटोरिया ने पुलिस की दिशा भूल करने के लिए नए मोबाइल नंबर ले लिए हैं। ऐसे में वे नए नंबरों से शहर में रहकर क्रिकेट सट्टा चला सकते हैं। यह जानकारी मिलते ही शहर पुलिस आयुक्त के दल ने क्रिकेट सटोरियों के मोबाइल नंबरों की तलाश करनी शुरू कर दी है और पुलिस का दल उनकी गतिविधियों पर नजर रखा हुआ है। अपने शरीर में दैवीय शक्ति का संचार होने और सवारी आने का दावा करने वाले गजानन उर्फ संतोष वानखड़े ने अपने दरबार में आए लोगों पर लाठी से हमला किया, जिससे दरबार में भगदड़ मच गई और खुद को बचाने हेतु एक कोने में जाकर रुके दो लोगों की शरीर में सवारी रहने का दावा करने वाले गजानन वानखड़े ने लाठी से जमकर पिटाई की। यह घटना दरियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद नगर परिसर में घटित हुई। लाठी के हमले में घायल हुए संतोष अभ्यंकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दरियापुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने बलगांव थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान नया अकोला से शिराला मार्ग पर प्रवीण राउत नामक व्यक्ति को दुपहिया वाहन पर अवैध तरीके से देशी शराब बड़ी मात्रा में ले जाते रंगे हाथ पकड़ा। शिक्षक बैंक के 2 करोड़ रुपए धनादेश के जरिए विड्रॉल करने का प्रयास करने के मामले में बैंक के अध्यक्ष गोकुलदास राउत द्वारा ही धनादेश दिया रहने की जानकारी विक्रम ठाकुर ने जांच अधिकारी को दी है, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा अब तक इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, बल्कि इस मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है।
जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा से लगकर मध्य प्रदेश की सीमा है, जहां से अवैध तरीके से गोवंश तस्करी होती रहने के मामले उजागर होने और शिकायतें मिलने के चलते ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने हेतु ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने विशेष दल गठित किया है और गोवंश तस्करी बाबत नागरिकों से जानकारी देने का आह्वान किया है।